मैंने मैंने बहस की शुरुआत जिस सवाल से की थी, मामला वहीं पर घूम कर आता है डॉक्टर संबित पात्रा। जब भी आपसे सवाल पूछूंगी यही पूछूंगी सरकार की अकाउंटेबिलिटी की। ये देश एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तमाम मंत्री ट्वीट करते हैं टूल किट पर, लेकिन जनता तो ये पूछेगी ना कि ये तमाम मंत्री कोविड पर क्या कर रहे हैं। अंजना जी, इस देश में रेमडेसिविर बनाने के मात्र 11 प्लांट थे, वहां से आज 58 प्लांट है। इनिशियली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी आई थी, आज कोई कमी रेमडेसिविर इंजेक्शन की नहीं। मात्र 1700 वायल इंडिया को एम्फोटेरिसिन की मिलती थी, 3 लाख वायल आज लाया गया है ब्लैक फंगस के लिए। ऑक्सीजन की पहले कमी होती थी, आज ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मगर आज हम टूलकिट पर डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे मंत्री प्रधानमंत्री सभी काम कर रहे हैं, तभी ये सारा कुछ हो रहा है। मगर डिबेट के टॉपिक से मैं डिबेट नहीं करूंगा। नंबर एक, यहां पर कहा गया, बार बार कहा जा रहा है कि सेंट्रल विस्ता वाला कागज हम मानते हैं। देखिए, जो टूल किट हमने कल दिखाया था उसमें सेंट्रल विस्ता वाला कागज भी था। कल ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कल इसको ये झूठ बता रहे थे। जब पकड़ में आ गया तो बता रहे हम उसको मानते हैं, बाकी कागज छूटे हैं। मैं बता रहा हूं और बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट की, हमारे ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी का और हम सबका एक क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल हम एकमुस्त होकर हमने प्रूफ किया है, टेक्निकली प्रूफ किया है, और आपके ही लोग सोशल मीडिया छोड़ के चले गए हैं। दूसरी बात, मैं घोर ऑब्जेक्शन करता हूं, ये जो बार बार कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो इंडियन स्ट्रेन कह के बदनाम नहीं कर रहे, यह मैं घोर ऑब्जेक्शन करता हूं कि ये कह रहे हैं कि सेकेंड वेव का नाम मोविड होना चाहिए, कोविड नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं अभी इसराइल के युद्ध को देख रहा हूं पैलेस्टीन के साथ। इसराइल के जब जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप अपने अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे, इसराइल ठीक कर रही है, उन्होंने बोला कि अब मैं भविष्य में प्रधानमंत्री हो सकता हूं, मैं हो सकता हूं लीडर ऑफ अपोजिशन, मगर मैं बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा हूं अपने प्रधानमंत्री के साथ और अपने देश के साथ। कोई ये मत सोचे कि आप लोग हम लोग को डिवाइड करके देश के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, देश में कोविड इस बीमारी का नाम रखकर, मोदी जी के नाम पे वायरस का नाम रख के आप विश्व में जग हसाई भारत वर्ष का कर रहे हो। मैं बहुत बहुत दुख के साथ कह रहा हूं अंजना जी, अमेरिका में जहां सर्वाधिक मृत्यु हुई, 6 लाख से अधिक मृत्यु हुई, वहां एक वर्ष हो गए हैं। आपने भी आर्टिकल पढ़ा होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था, रेफ्रिजरेटेड वैन्स के अंदर आज भी डेड बॉडी पड़ी हुई है, मगर वहां ना तो कोई उनका ऑपोजिशन लीडर इस पर बात करते हैं, ना कोई इस प्रकार का जघन्य फोटो छपता है। मगर जिस प्रकार से हमारे यहाँ ऑपोजिशन के लीडर और खास करके राहुल गांधी जिस प्रकार से देश को बदनाम करने के लिए मोविड कह रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और हाथ जोड़ के करूंगा, क्योंकि बड़ा चैनल है, बहुत लोग देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करवाइए। ये जो कह रहे हैं कि सेकेंड वेव मोविड के नाम से जाना चाहिए, ये भयंकर टूल किट है, ये तुरंत रिट्रैक्ट होना चाहिए। और जहां तक टूल किट का सवाल है, आप तो रोहन जी जवाब भी दीजिए, और उसके साथ ये भी बताइए कि सौम्या वर्मा ये जो है आपकी कांग्रेस पार्टी वाली, इन्होंने सोशल मीडिया छोड़ क्यों दिया है? भागता तो वही है ना, इसका इनका बिल्कुल जवाब, घोड़ा तो वही होता है ना सर, बिल्कुल जवाब, जो मान लेता है मैंने गलती की भाग जाता है। बिल्कुल, मैं भागे क्यों? मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इन्होंने अभी बात की, पूरे देश की बात की। देखिए, यहाँ पे देश की जनता की बात है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और पूरी तरह से कांग्रेस ने हर बार कहा, हमने जब लेटर्स भी लिखे उसमें भी हमने पॉजिटिव सजेशंस दिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। पर आज जब आपको लगता है कि देश की जनता परेशान हो रही है और सत्ता पार्टी सिर्फ भी सत्ता के नशे में देश की जनता को पूरा नकार दे, तो आपको सवाल तो उठाने पड़ेंगे। क्या इसमें कोई गलत सवाल है कि 136 कंट्री को हेल्प करने की बात इन्होंने जनवरी में की थी? क्या गलत सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा था कि मार्च में कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली? क्या यह गलत चीज है कि 6 करोड़ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट कर दी? क्या यह गलत चीज है कि हमने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया? अब जो सत्ता पार्टी है उसको सवाल तो पूछे जाएंगे। आज लाखों लोगों की मृत्यु हुई है देश में, आज भी 5,000 लोग मर रहे हैं, तो सवाल तो उनके ऊपर पूछेंगे। आज जब सवाल उनके ऊपर पूछा जाएगा, तब ध्यान भटकाने के लिए दूसरी चीजों को लाके झूठ फैला के कब तक करेंगे? देश पूरा जान चुका है। और आज जो मोदी जी की बात कर रहे हैं, उनको भरोसा करके देश में दूसरी बार प्रधानमंत्री, आप बीच में मत बोलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा देश ने किया था, वो भरोसा आज अंजना जी टूटा है। आज जब इतनी लाशों का ढेर आपने देखा हो, तड़पते हुए दवाओं के लिए लोग मरे, देखिए भागने की जरूरत क्या है ऐसी बहस के लिए? बिल्कुल, मौका कौन सा है? टूल किट कल से आप लोग भी कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम नहीं। देखिए अंजना जी, सुनिए, क्यों चली गई सोशल मीडिया से? सौम्या वर्मा जी डॉक्टर राजीव गौड़ा के लिए काम कर रही थी, शी वॉज प्रोफेशनल। राजीव गौड़ा जी रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड है, आज वो उनके वहां प्रोफेशनली काम कर रही। जब उनके नाम के ऊपर आया, वो उनकी व्यक्तिगत चॉइस होगी, उसमें कोई भागने की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे व्यक्तिगत चॉइस